Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. Assalamualaikum my YouTube family, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं, खुश बात हैं, खैर खुशियत से हैं, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन पे जाके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि चैनल पे आने वाली मजीद अपडेट आप तक इजीली पहुँच सके और आप उसे एंटरटेन हो सके। और हमारी यूट्यूब फैमिली इसी तरह डे बाई डे बढ़ती जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें ऐड होते जाएँ। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम का आईडी मैं नीचे मैंशन कर दूँगा। तो चले आए आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। इस ब्लॉग में जी मैं आपको एक डील भी दिखाऊँगा मेंढे की, और मेंढा बड़ा हैवी वेट मेंढा है जो सेल हुआ है। और दूसरा इसमें मैं आपको मेंढे और तुर्किश दुम्बे कोई 6-7 जानवर हैं वो आपको दिखाऊंगा, उनकी प्राइजेस लेके बताऊंगा। प्राइजेस बड़ी मुनासिब हैं एज़ कम्पेयर टू देसी बकरे और क्या नाम है कजले छतरे। हैवी वेट तुर्किश दुम्बे और मेंढे हैं नॉर्मल हार्ड में, लेकिन वेल लंबे हैं और वज़न बहुत अच्छा है बकरों का। तो अपने ब्लॉग को करते स्टार्ट, वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी। और आपने अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है कि जो डील है वो मेंढा जितने में सेल हुआ है क्या मुनासिब गया है, और दूसरे बकरे जो दुम्बे हैं इनके और मेंढे हैं उनकी प्राइसेस मुझे तो बहुत मुनासिब लगी हैं। आपने भी अपनी राय का इजहार करना है कि ये चीज़ खान साहब की प्राइसेस मुनासिब हैं कि ज़्यादा हैं, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो चले अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये देखें नहीं माशाल्लाह, जो मैं जैसे मैंने आपको बताया 8 से 9 तुर्किश दुम्बे और मेंढे मिक्स हैं। और ऐसा थोड़ा आगे कर दो इसको जानवर जी, बस इधर लेके खड़े हो जाए। माशाल्लाह जी बड़ा खूबसूरत जानवर है, नॉर्मल हाइट में है लेकिन हैवी वेट में है। और माशाल्लाह माशाल्लाह जी बहुत ही ज़्यादा हैवी है। चेस्ट इसकी देखें आप, ये चेस्ट भी ठीक है जानवर की। हाँ साहब दोंद है, खीरा है, दोंद है, अभी ताज़ा दो दांत हुआ है। ठीक है जी, दो दांत जानवर है, मैं दिखा भी सकता हूँ लेकिन वो है कि जानवर ना ये बड़ा तंग करता है दिखाने में, तो उसकी रीज़न ये है कि हम इसे दिखा रहे हैं। लाट इसकी आप पीछे से देख लें, बहुत बड़ी लाट भी नहीं ना बहुत छोटी है, मुनासिब लाट है इसकी। ठीक है, और ब्राउन कलर में है माशाल्लाह, खूबसूरत जानवर है। लाइव वेट इसका बताऊँ तो हाँ साहब 2 मन वज़न होगा इसका इस टाइम। ठीक है, और लाट के बगैर मीट वेट इसका तकरीबन 30 से 35 किलो होगा। कितना होगा इसका गोश्त? 50-52 किलो टोटल चर्बी का भी मिला के। ठीक है जी, 50 से 52 किलो ना टोटल। हाँ साहब कह रहे इतना गोश्त इसके अंदर होगा लॉट का भी मिला। हाँ साहब इसकी क्या क्या कीमत मांग रहे हो? ₹85,000 जी इसकी डिमांड की जा रही है, और फाइनल वो दे रहे हैं 68 से 70 के दरमियान ना, तो कह रहे हैं जिधर गाह मुनासिब रेट लगा दो उधर दे देते हैं। तो माशाल्लाह आप ये देखें खूबसूरत जानवर है, मैं आपको पीछे से भी दिखाता हूँ जानवर, आप ये देखें पीछे से माशाल्लाह हैवी वेट जानवर है। ये पुट है इसकी, ये मेरी अंगूठा, ये चीची, ये पुट है, और जात बिल्कुल छोटी सी है, 1-1.5 इंची जात है, और माशाल्लाह खूबसूरत है। ये देखें आप, एक ज़बरदस्त चीज़ दिखा लूँगा, मेंढा हैवी वेट मेंढा है माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ज़्यादा हैवी वेट है। ये तकरीबन 100 kg के पास ये मेंढा होना है इस वक्त, और बड़े बहुत बड़े साइज है। मैंने इतना बड़ा मेंढा ना अभी पहली दफ़ा देखा, मैंने इतना बड़ा मेंढा सियालकोट में अभी तक नहीं देखा, दूसरे शहरों में होगा लेकिन सियालकोट में पहली दफ़ा मैंने इतना बड़ा मेंढा देखा। दो दांत है जी, सींग इसके देखें जी, ये बेसिकली ना लड़ाइयों के लिए काम आता है ये वाला जानवर, लेकिन ये कुर्बानी भी लोग करते हैं। ओ तेरी, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ जी की खोया जे है माशाल्लाह जी, बड़ा ही खूबसूरत मेंढा, वेल में बहुत लंबा, 100 kg के पास ये मेंढा है लाइव वेट में। ये 50 kg 55 kg में ये जानवर होगा। हाँ साहब इसका क्या मांग रहे हो वैसे? 85,000 रुपया माशाल्लाह, बड़े मुनासिब पैसे हैं हाँ साहब के, यही 80-85,000-90,000 इसका रेट है। और दो दांत जानवर है माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत, पीछे से भी आपको दिखा दूँ। ये देखें जी जानवर, उसकी गुलाइयाँ देखें,
ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। हाँ सर छोड़ दे इसको, हाँ छोड़, माशाल्लाह ये देखो जी बहुत ही खूबसूरत है। ये जी एक और मेंढा आपको दिखाने लगा, और माशाल्लाह ये मेंढा भी हैवी वेट है, लाइव वेट इसका भी तकरीबन 80-85 किलो वजन होगा, ठीक है। और ये 35-40 के जी मीट में ये जानवर है, और माशाल्लाह हाँ जी 30-35 किलो इसके अंदर मीट वेट है इस जानवर का, और लाइव वेट इसका 70-80 के जी इसका लाइव वेट होगा, ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता इसे। हाँ साहब ये भी दो दांत का खीरा है दिखाओ, हाँ ये जी ये दो दांत जानवर है जी, ठीक है जी माशाल्लाह चेस्ट देखें बड़ी हाई भी जैसा। हाँ साहब इसकी प्राइस क्या है? इसकी 75,000। और ये किधर तक बन जाएगा? मतलब कि 4-5 हज़ार पे ही, ठीक है, क्योंकि इतने हैवी वेट बकरे हैं। दूसरे शहरों में जाएँ लाहौर में आप यहाँ दूसरे गुजराला उन इलाकों में इनकी ज़रा डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पे इतने बकरे का 1.5-1.5 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं, तो उसमें पैसे बड़े मकबूल मांग रहे हैं। यही 5-10 हज़ार रुपये की कमी पेशी होगी, क्योंकि बकरे बहुत दुम्बे जो उनसे हैं ना बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट में हैं। एक और जी तुर्किश दुम्बा आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह। हाँ साहब इधर देखो एक मिनट, इधर देखो ये देखो ये तुर्किश दुम्बा जी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और लाइव वेट में ये भी जो दुम्बा है ना ये भी 70-75 किलो जिंदा वजन में लाइव वेट है। मीट वेट चक्की का मिला के ना तकरीबन ये 40-45 मीट वेट आ जाएगा, और लाट इसकी भी ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है, दरमियानी लाट का जानवर है, खूबसूरत है। बराइयाँ देखें आप जानवर की बड़ी अच्छी हुई हैं। दोंदा खीरा तो अंध दिखा दो, ये भी दो दान जानवर है। इसका मुल्क है इसका भी, मतलब सारे बकरों का 80-85 इतना ही है, जितने बकरे खड़े हैं जी सारों का 80-85 हज़ार है, 5-10 हज़ार रुपये की कमी पेशी हो जाएगी। बाकी आप आएँ आपको लोकेशन भी मैं समझा दूंगा किधर खड़े हैं। अभी आपको दूसरा बकरा दिखाते हैं इसके बाद हम, जो तो एक दो रह गए हैं वो भी आपको दिखाते हैं जी। हाँ सर छोड़ दें इसको माशाल्लाह जी, आप ये देखें बड़ा ही खूबसूरत बकरे हैं, बड़े हैवी वेट बकरे हैं इसके पास ना। ये जी अब आपको मेंढा दिखाने हैं, सही प्योर मेंढे में आता है ना वो ये चीज़ आती है। और हाँ साहब इसका वज़न कितना होगा? है कोई दो मन 80 किलो वज़न होगा माशाल्लाह जी, मुझे भी ये मेरा भी यही आइडिया था 70-80 किलो। और हाँ साहब ये दोंदा खीरा है दिखाओ, हाँ ये दो दांत है जी, चौके की कन्नी रखी है लेकिन अभी दो दांत है। इसको आगे करो हाँ थोड़ा बस, इधर ही ये जानवर ही चलने में बहुत तंग करते हैं, ठीक है, चलें तो बहुत आराम से, ना चलें तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। बाकी मीट वेट में ये भी जी 35-40 किलो मीट वेट में है जानवर, खूबसूरत जानवर है, प्यारा जानवर है। 85 हज़ार रुपये इसकी डिमांड की जा रही है, और फाइनल वो जो कस्टमर अभी देखें पीछे कस्टमर भी आए हैं 70 हज़ार रुपये से कम वो दे ही नहीं रहा, उन्होंने 60 हज़ार लगाया लेकिन वो कहते नहीं जी 70 हज़ार से एक रुपया कम नहीं होना। और माशाल्लाह जानवर खूबसूरत हैं आप ये देख सकते हैं, और प्यारे जानवर हैं, हैवी वेट जानवर हैं जी ये। ये जी इनकी डील तकरीबन ऑलमोस्ट फाइनल हो रही है, आपको एक डील भी साथ कवर कर रहा हूँ। वो भाई ये जो है ना 67,500 रुपया पठान की तरफ से कहा जा रहा है, और वो उन्होंने 65,000 रुपया कर दिया, तो उन्होंने 67,500 पठान कह रहा है, 68,000 रुपये पे आ गए जी। अब कितना कह छड़ा तुसी? 68,000 रुपया कह दिया आपने, 67,500 स्टार्ट च लै जाओ, स्टार्ट च लै जाओ। मैनू पता किन्ने का है, वैसे वह 1,500 ही रख रहा थोड़े को, मैं सारी बात है जो पसंद आ गई चीज़ 1,500 का फर्क कोई नहीं, ठीक है, जो चीज़ पसंद आ गई फिर 1,500 का फर्क कोई नहीं, फिर बुट कड्ढो तो दो बिस्मिल्लाह करो तो लै जाओ। ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह डील हो गई है भाई की, और
बाकी ये जानवर जी डील कर ली गई है इन्होंने, ये देख लें जी माशाल्लाह, ये वाला जानवर जो मैंने आपको बड़ा मंडा दिखाया था ना आगे, वो 67,000 में ना ये सेल हो गया हुआ, तो अभी आपको दिखाते हैं बाहर निकाल के। हाँ जी आखिरी दुम्बा जी रह गया जो आपको दिखा रहा हूँ, साथ साथ डील भी कवर कर रहा हूँ, साथ साथ आपको प्राइजेस भी बता रहा हूँ। तो 6 से 7 दुम्बे और 2-3 मंडे लेके आया हाँ, तो माशाल्लाह एक उसका बिक भी गया है। हाँ साहब इसके कितने पैसे हैं? 75,000। मुँह से कितने दांत है ये दोनों? ये भी दिखाओ हाँ, रहने तो नहीं दिखाता तो ठीक है, दो दांत है माशाल्लाह। हाँ इनके सारे बकरे दो दांत है, मंडे ले लें तुर्किश दुम्बे ले लें, सारे बकरे दुम्बे जो से ना उसके दो दांत है। लाइव वेट इसका तकरीबन 70 से 80 किलो के दरमियान इसका लाइव वेट है। लॉट के बगैर ये बकरा 30 से 35 किलो गोश्त दे जाएगा, लॉट के साथ 40 से 45 किलो गोश्त आपको मिल जाएगा इस बकरे में से। पीछे से उसकी चौड़ाई देखें पुट की, बाकी शोल्डर भी उसके अच्छे हैं, ब्रॉड शोल्डर है, शोल्डर है। जिस जानवर का शोल्डर चौड़ा होगा ना उसकी वेल उसकी बराइयाँ बहुत अच्छी तैयारी में वो जानवर आएगा। जब आप दो दांत से ऊपर जाएगा, दो दांत से नीचे जानवर हो तो वो तैयार उस कैटेगरी का नहीं होगा। तो माशाल्लाह बाकी ये जानवर आपको मैंने दिखा दिए, ये 7-8 जानवर हैं जो आपके साथ शेयर किए, आपको दिखाए और प्राइजेस लेके बताई। सा डील भी एक है वो भी दिखाई आपको, कवर कर रहा हूँ जब वो लेके जाएंगे। अभी पेमेंट लेने गए हैं तो फिर मैं आपको बाकी जब वो निकालेंगे भाई तो वो फिर आपसे डील करें, जब पेमेंट देंगे तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि जो मेंढा वो ये वाला मेंढा जी, मैं आपको कह रहा था कि भाई ने जो खरीदा ये भाई हैं, इन भाई से पूछते हैं। भजन आपका प्यारा नाम बिलाल, बट बिलाल भाई हैं जी, कौन से इलाके से आए हैं? सियालकोट के हेडमराले से, ठीक है हेडमराला से आए हैं जी। तो गुजरते ही गुजरते जा रहे इधर से, इन्होंने बकरे देखे तो रोके, तो मेरे सामने ही सारी डील हुई, डील भी आपके साथ कवर की। बिलाल भाई इसको थोड़ा बाहर निकालें, ये मैंने आपको सबसे पहले मंडा दिखाया, सबसे हैवी मंडा है खान साहब के पास। मीट वेट मेरा तो 45 से 50 किलो है, लेकिन वो कहते हैं कि इससे कम है, क्योंकि ये 100 किलो के पास जिंदा वज़न में है ये जानवर, 90-95 किलो होगा ये जानवर जिंदा वज़न में। तो 90-95 हो तो चलो 50% भी ना निकले तो आप 40+ तो 40 तक तो होगा ये मीट वेट में, इससे कम ये जानवर नहीं है। जितना उसकी बराइयाँ उसका सीना जितना जोड़ा जाते जो है 1 से 1.5 इंच जाता है ऊपर, बड़ी जात हो फिर मैं कहूँगे वज़न कम है इसका, लेकिन छोटी जात में जानवर है और खूबसूरत जानवर ले लिया। ये जी पेमेंट देने की बारी आ गई है और पेमेंट मिल रहे हैं भाई इनके, तो खान साहब के हाथ में पकड़ाएंगे। लोडिंग भी जो मेंढा है उसकी हो रही है, ये देखें कैसे देख जा रहे जी माशाल्लाह, हैवी बहुत है वो देखें ना, दो बंदे उठा रहे हैं उसको, जितना हैवी मेंढा है। लोडिंग हो गई जी, अब इसको बांध रहे हैं और उसके बाद ये अब खान साहब के हाथ में पेमेंट चली गई है, कुछ पैसे इन्होंने एडवांस में पकड़ा दिए थे, बाकी ये अभी इन्होंने दिए हैं। तो माशाल्लाह जी एक मंडा उनका देख गया, बाकी 6-7 जानवर रह गए पीछे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कितने रह गए। ठीक हो गया ये जी, ओके ये जानवर रह गए कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ही रह गए हैं ये दुम्बे, उनके मंडे जल्दी से आएँ मुनासिब रेटों में आके खान साहब से ले जाएं।
ये जी हाँ साहब, आपका प्यारा नाम? मेरा प्यारा नाम शेर खान। शेर खान रावलपिंडी से आए हो? शेर खान जी रावलपिंडी से आया है। आपको शेर खान के मैंडे और दुम्बे दिखाए हैं, एक से डील भी हो गई। शेर खान ने बड़े मुनासिब रेटों में उनको क्या नाम है मैंडा भी दे दिया। तो शेर खान अपना मोबाइल नंबर बोल दो। 0307 7174 80 9094। ये जी शेर खान का नंबर है, व्हाट्सअप है इस पर? इस पर व्हाट्सअप भी है। जो मैंने आपको दुम्बे दिखाए हैं, मैंडे दिखाए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके शेर खान को व्हाट्सअप कर दें और वो आपको रेट शेट भी बता देगा। वीडियो में भी मैंने आपको रेट बता दिया। और बराए मेहरबानी रात के टाइम फ़ोन ना करिएगा, लेट नाइट रात के टाइम उन्होंने खुद सोना होता है। सुबह के टाइम दिन में जिस टाइम मर्जी से कॉल करके, वो 6 बजे के बाद जिस टाइम मर्जी से कॉल करें, वो आपको प्राइजेज भी बताएगा। और जो बकरे हैं वो भी अगर आपने देख रहे होंगे आके, तो वो भी आपको लोकेशन बता देता हूँ। ये रहमत मैरिज मार्की है, इधर रहमत मैरिज हॉल, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ना ये बस स्टॉप बना हुआ है, तो उसके नीचे ही उसने ये बकरे रखे हुए हैं दुम्बे अपने। तो आप आएँ इधर दुम्बे देखें और अपनी मर्जी का पसंद करके ले जाएँ। ये थी जी आज की एक वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ डील कवर की, आपको दिखाया कि डील कितने में हुई और क्या नाम है दुम्बे भी दिखाए, मैंडे भी दिखाए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह चैनल पर मजीद वीडियोज़ आती जाएंगी और आपको एंटरटेन करता जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।